मेरी भी जनता से यही अपील है बरवाड़ा के समझदार लोगों से कि जो पिछले दिनों जो चेयरमैन और जो ये कब्जेदार रहे हैं, कब्जेदार का मतलब है जमीनों पर जिन्होंने कब्जा करने की कोशिश की है दाएं से बाएं से, और सरकार की तरफ से जो ग्रांट आई उस ग्रांट को हड़पने का जो काम करते थे जी। उनको जो है सबक सिखाने का काम करें और ऐसा ना हो कि दोबारा से फिर मतलब जो वो लोग इस पे काबिज हो गए तो बरवाड़ा शहर का ये जो विकास चला हुआ है, ये इसकी जो गंगा बह रही है उसको मतलब जो रुकावट ना पैदा कर दें। तो इसलिए मेरा अनुरोध है भाई, बरवाड़ा के अंदर मौजूद हूँ और जो जोर शोर से जो ये कहिए कि रैली कही जो है यहाँ पर की गई है, जेजेपी के विधायक साहब मेरे साथ मौजूद हैं फिलहाल जोगीराम सिहाग जी, और यहाँ के भावी प्रत्याशी जो है यहाँ के मेरे साथ खड़े हुए हैं इधर से रामकेश बंसल जी, तो चलिए इनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं हम लोग। सिहाग साहब, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि चेयरमैन के चुनाव जो है 19 को होने वाले, क्या लगता है जेजेपी का जो रिजल्ट है क्या रहने वाला है आपके? आप रिजल्ट को जो आगे से पीछे तक आप अपना कैमरा घुमा कर देख लो कि रिजल्ट क्या रहने वाला है, और ये एक बजा हुआ आप देख लो 1:15, बिल्कुल दोपहर का टाइम है, इतना दोपहर के टाइम में इतनी गर्मी में आज टेम्परेचर भी शायद 45 के आसपास होगा, बिल्कुल भी ये लोगों का जोश आप देखने को मिलता है आपको जी। तो ये तय है अगर बरवाड़े का आने वाला सेवक 5 साल के लिए मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर जो है रामकेश चलेगा, एक अच्छा सेवक जो है मुझे और बरवाड़ा की जनता को मिलने वाला जी। फिलहाल बरवाड़ा की जनता जो है, फिलहाल के जो चेयरमैन है या काम से यहाँ से काफी नाराज दिखाई दी है, तो क्या लगता है कि रामकेश बंसल जो है ये बरवाड़ा की जो है खस्ता हाल इसका विकास करवा पाएंगे? मेरी भी जनता से यही अपील है बरवाड़ा के समझदार लोगों से कि जो पिछले दिनों जो चेयरमैन और जो ये कब्जेदार रहे हैं, कब्जेदार का मतलब है जमीनों पर जिन्होंने कब्जा करने की कोशिश की है दाएं से बाएं से, और सरकार की तरफ से जो ग्रांट आई उस ग्रांट को हड़पने का जो काम करते थे जी। उनको जो है सबक सिखाने का काम करें और ऐसा ना हो कि दोबारा से फिर मतलब जो वो लोग इस पे काबिज हो गए तो बरवाड़ा शहर का ये जो विकास चला हुआ है, ये इसकी जो गंगा बह रही है उसको मतलब जो रुकावट ना पैदा कर दें। तो इसलिए मेरा अनुरोध है बरवाड़े की जनता से कि आने वाले 19 तारीख को एक एक बटन का चाबी के निशान पर दबाकर भाई रामकेश बंसल को अपना सेवक नियुक्त करें, इस शहर के जो है प्रॉपर्टी को बचाएं, इस शहर के विकास में को गति प्रदान करेंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है जी। उसके बाद रामकेश जी आपसे कुछ सवाल, थोड़ा सा एक बार पीछे घूम जाइए उधर कैमरा की तरफ, थोड़ा सा आप घूम जाइए जी। अगला सवाल आपसे कि आज दोपहर तकरीबन 1 बज चुका है, लोगों में जोश कैसा नजर आ रहा है? देखो 9 बजे का टाइम था और हमने 10:30 से 11 बजे तक नॉमिनेशन करना था जी, और देखो आप 1 से 1:15 बज चुके हैं और अभी तक भी पब्लिक कितनी भारी संख्या में है और बरवाड़ा की जनता का और बड़े बड़े बुजुर्गों का पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिलने लग रहे हैं और बरवाड़ा की जीत निश्चित है। फिलहाल नामांकन की अगर बात करें तो सबसे जोर शोर से नामांकन जो भरे गए हैं उनमें पहला नाम आपका चल रहा है, क्या लग रहा है क्या जीत भी इतने ही फासले से होगी? बिल्कुल जी बहन जी, मुद्दे क्या रखने वाले हैं? विकास के मुद्दे, सारे तमाम प्रकार की मूलभूत सुविधाएं हैं, सरकारी योजनाएं आती है, लोगों को उनका लाभ दिलवाना, किसी भी योजना से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिलहाल तस्वीरें यहीं तक, एक इंटरव्यू जो है खास और बड़े आराम से भी करेंगे बरवाड़ा विधायक जोगीराम सिहाग जी का भी और साथ साथ रामकेश बंसल जी का भी, लेकिन अब फिलहाल जो है ये आपको कुछ तस्वीरें आपको दिखाने वाली थी कि आज नामांकन जो है फाइल किया गया है और पीछे उसके साथ ही एक रैली की गई है, आगाज किया गया है, शायद अभी तक का बरवाड़ा के सबसे बड़े कार्यक्रमों की अगर बात करें चेयरमैन इलेक्शन को लेकर तो उनमें से जो ये एक रहा है, और आगे की भी बरवाड़ा के जितने भी अपडेट्स होंगे खासतौर से ये जो निकाय चुनाव को लेकर के वो सारी सिटी बिग न्यूज़ आपको देता रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेल ट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेल ट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।